अगर आपको पता चले शुरुआत में मैं कहूंगा कि आज मैंने एक लेख लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स और दैनिक भास्कर के मेरे कॉलम में गवर्नर्स को लेकर, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दिलचस्प बात है कि जैसे मैंने लिखा सुबह मुझे, मैं फ्लाइट ले रहा था, उसके पहले फोन आता है एक पुराने हरियाणा के एक नेता से, बड़े बुजुर्ग नेता है लेकिन पढ़ते हैं, बहुत कम नेता है जो अग्रलेख पढ़ते हैं या एडिट पेज पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं। उन्होंने कहा राजदीप जी आप कह रहे हैं कि गवर्नर की स्थिति देखिए किस तरह से, उनको एक तरह से वो पॉलिटिकल राजनेता बन गए हैं और न्यूट्रल नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आपको याद होगा कि कांग्रेस के जमाने में क्या होता है। तो मैंने कहा सर मैं जानता हूं कि कांग्रेस के जमाने में रबर स्टैंप गवर्नर हुआ करते थे, इंदिरा गांधी ने उनका गैर इस्तेमाल करके सरकारी डिसमिस किए, बर्खास्त किए। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए ये सब तो ठीक है लेकिन आप ये किस्सा तो जानते हैं कि नहीं हमारे हरियाणा से, और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्सा है, गणपत राव तापसे करके गवर्नर थे हरियाणा के 1982 में। ये वही है जिनका टेटुआ पकड़ लिया था चौधरी देवीलाल ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए साहब ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी लेकिन ये हरियाणा के जो व्यक्ति है बड़े डिटेल में बता रहे थे। देखिये उस समय एक चुनाव हुआ वहां, और उस हरियाणा के चुनाव में एक तरह से आप कह सकते हैं त्रिशंकु विधानसभा हो गई, एक किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं थी लेकिन देवीलाल का जो पड़ा था वो भारी था। देवीलाल हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमएलए, लोकदल के एमएलए थे, बीजेपी उनका समर्थन कर रही थी और कुछ निर्दलीय जो थे वो भी उनका समर्थन कर रहे थे। जगजीवन राम की एक जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट थी के जो एमएलए थे वो भी शायद उनके साथ जाने के लिए तैयार हुए थे। लेकिन जब देवीलाल वहां राजभवन पहुंचते हैं और गणपत राव तापसे से मिलते हैं तो तापसे जी उनको कहते हैं हाँ हाँ आप बैठिए सोफा पे, आपका मैं देख लेता हूं क्या हो रहा है। वहीं भजन लाल जो उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरियाणा में, वो अपनी बीचक्राफ्ट एयरक्राफ्ट लेके, अपनी प्लेन लेके वहां पहुंच जाते हैं और उनके और तापसे जी के बीच में गपशप होती है और सडनली 6:30 बजे एक प्रेस रिलीज आती है जिसके जरिए यह कहा जाता है कि भजन लाल जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। अब चौधरी देवीलाल बाहर बैठे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो यहां घंटों से सोफा पर बैठा हूं, तापसे जी मुझे बुला नहीं रहे हैं। तो वो अंदर जाते हैं और ये कहा जाता है कि जैसे ही तापसे जी अपना हाथ अपने गालों पर लगा रहे थे, देवीलाल जी ने उनका हाथ नीचे कर दिया और कहा तुम तो इंदिरा गांधी के स्लेव, यू आर अ स्लेव, यानी एक तरह से आप उनके नौकर हो, आप कैसे समझ सकते हो ये जो किया आपने सही किया है। और कुछ जो वहां के लोकदल के जो एमएलए हैं उन्होंने तापसे जी को घेरा। अब तापसे जी की इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो थे, नियुक्त हुए थे, वो कांग्रेस ओ से थे, मोरारजी देसाई ने उनको गवर्नर बनाया था उत्तर प्रदेश का। जब इंदिरा गांधी आती है वहां से हटा के उनको हरियाणा भेजा जाता है और वो जैसे ही इंदिरा गांधी की सरकार आती है वो मोरारजी देसाई से इंदिरा गांधी की तरफ आ जाते हैं और उन्होंने ये सरकार जो है भजन लाल की 82 में बनाई। अब इन आज जो मुझे जो व्यक्ति हरियाणा के कह रहे थे उन्होंने कहा राजदीप जी आप इतना लेख लिख रहे हैं, आपने तापसे जी का क्यों नहीं जिक्र किया, आपने इंदिरा गांधी जी को क्यों नहीं पूछा कि क्या किस तरह से वो गवर्नर का गैर इस्तेमाल करती थी। मैंने कहा सर मैं 2023 का लेख लिख रहा हूं, आप 82 की घटना के बारे में बता रहे हैं। लेकिन उनका कहना यह था कि गवर्नर का जो रोल है वो एक रबर स्टैंप का था इंदिरा के जमाने में, अब जो हुआ है वो पॉलिटिकली पार्टी पॉलिटिकली एक्टिव गवर्नर्स हुए। आपने रवि जी का जिक्र किया, अब गवर्नर कह रहे हैं कि तमिलनाडु का नाम बदलिए। आपको याद होगा किरण बेदी और नारायण स्वामी जी के बीच में लगातार जिस तरह से टक्कर हो रही थी पुडुचेरी में, या जगदीप धनखड़ की टक्कर हो रही थी ममता बनर्जी से। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, डीएमके के नेता कल कह रहे थे जो वो राष्ट्रपति से मिले थे इस बात को लेकर, उनका कहना है कि धनखड़ जी को जिस तरह से अब आपने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है, उपराष्ट्रपति बना दिया है, उसके बाद सब जितने गवर्नर है उनको लगता है कि अगर हम ओपोजिशन को टक्कर दे दे तो शायद हमारा करियर बढ़ेगा। इट्स अ करियर मूव कि आप 2 साल लगातार 2019 और 22 के बीच में धनखड़ जी ममता बनर्जी को एक तरह से
टक्कर दे रहे थे, पॉलिटिकल कमेंट्स उनके खिलाफ हर हफ्ते कुछ ना कुछ कहते थे। अब इसके ऐसे ऐसे व्यक्ति को आप रिवॉर्ड देते हैं, उपराष्ट्रपति बनाते हैं, तो बाकियों को भी लगता है चलो हमारा नंबर भी आ जाएगा अगर हम सरकार को एक तरह से टक्कर दे दे। तो एक एक माहौल बन गया है फ्रॉम रबर स्टैम्प गवर्नर्स इन कांग्रेस टाइम्स टू नाउ पॉलिटिकली एक्टिव गवर्नर्स।